हरियाणा के फतेहाबाद में होमगार्ड के एक जवान के खिलाफ महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि जवान ने नशे की दवा देकर उसके साथ रेप किया है। महिला थाना पुलिस ने धारा 450, 506, IPC 66E के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फतेहाबाद के थाना सदर क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान उनकी गली में कोरोना पॉजिटिव केस आया था। गली से आवागमन बंद करके पूरे गली को सील कर दिया गया था। इसको लेकर होमगार्ड के जवान बलजीत की ड्यूटी उन्हीं गली में लगी थी। महिला का कहना है कि इस दौरान उसे अचानक बुखार आ गया था। होमगार्ड ने उसके घर आकर बताया कि उसे कोरोना के लक्षण हैं। ऐसे में दवाइयां लेनी पड़ेंगी, नहीं तो जान भी जा सकती है। महिला का आरोप है कि होमगार्ड बलजीत ने उसे दवाई लाकर दी। दवा खाने के बाद वह बेहोश हो गई। इस दौरान बलजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने उसकी अश्लील वीडियो बना ली और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे बार बार परेशान किया। उसे ब्लैकमेल करके होमगार्ड जवान ने उससे 2.5 लाख रुपए भी वसूल लिए और अब भी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। महिला थाना प्रभारी अरुणा ने बताया है कि पीड़िता महिला की शिकायत पर आरोपी होमगार्ड बलजीत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की छानबीन जारी है। आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।